हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडी एजुकेशन। मैं हूं अमित दीक्षित। अगर आप कर रहे हैं टेट एग्जाम्स की तैयारी, तो पेपर वन और पेपर टू की तैयारी आप बेस्ट तरीके से लाइव कोर्सेज के माध्यम से कर सकते हैं अन अकेडमी के टेट प्लस से जुड़कर। तो यहां पर 30 घंटे की लाइव क्लासेस आप रोज देख सकते हैं उन सभी कोर्सेज के माध्यम से, जिन्हें सभी जाने माने एजुकेटर्स जो आए हैं उनके द्वारा तैयार किया गया है, जिनसे आप पढ़ रहे हैं, जिन्हें जानते हैं। तो इन सभी के कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं, और जैसा कि आप मेरे कोर्सेज भी देख रहे हैं, तो मेरे साथ और सभी एजुकेटर्स के भी कोर्सेज आप देख सकते हैं सिर्फ वन टाइम के सब्सक्रिप्शन के साथ। एक बार लेना होगा आपको सब्सक्रिप्शन, तो एक बार सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, चाहे कोई भी कोर्स चल रहा हो, उसके कोई भी क्लासेस हों, लाइव लेक्चर्स हों, MCQ की सीरीज हों, या डाउट सेशन हो, कुछ भी हो, वो आप देख सकते हैं। तो यही बेनिफिट है कि लाइव लेक्चर्स के साथ में MCQ टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन, ई-बुक्स, नोट्स आपको मिल जाते हैं, और लेक्चर रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाती है। तो हमेशा के लिए आपके पास साधन रहेंगे। ये एक इसका वन टाइम इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट है। सो यू कैन यूज माय रेफरल कोड आल्सो, आप ये रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, और 10% डिस्काउंट जो है स्ट्रेट अवे आपको मिल जाएगा। तो ये बेनिफिट आप जरूर ले लीजिएगा अगर आप कंसिडर कर रहे हैं। सो इफ यू आर गोइंग टू कंसिडर दीज, देन यूज माई रेफरल कोड। ओके, सारी जानकारी यहाँ इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो चेक जरूर कर लीजिएगा। और इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच फ्री कोर्सेज, अगर फ्री कोर्सेज देखना चाहते हैं, तो वो unacademy.com या ऐप पर जाकर आप अमित दीक्षित सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी, और फ्री कंटेंट भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो इसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। चॉइस आपकी है, आप किस चीज़ को चुनना चाहते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और हमारे MCQ सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर हम 10 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, एंड मूविंग फॉरवर्ड टू द 11th लेक्चर। हम 11th लेक्चर पर हैं आज, और आगे कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ पर जानेंगे क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस एंड मूव फॉरवर्ड। सो सबसे पहले यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया गया है, हम एक छात्र के औसत अंकों की गणना करते हैं ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम गणना करते हैं। ये यहाँ पर एक पॉइंट है, और ये क्वेश्चन है हमारा पहला, और इसको आपको आंसर करना है कि इसका आंसर क्या होगा। आप आंसर सोच ले, मैं आंसर बता देता हूं यहाँ पर। तो ऑप्शन तो पहले दिए गए हैं, विचरण है, अंकगणित माध्य है, या फिर ज्यामिति माध्य है, या मानक विचरण है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो आंसर इसका सही होगा यहाँ पर बी, अंकगणित या माध्य, अरिथमेटिक मीन। ओके, सो एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट विल बी कैलकुलेटेड थ्रू अरिथमेटिक मीन, जस्ट लाइक अरिथमेटिक मीन। तो उसी तरह से बिल्कुल हम कैलकुलेट करेंगे इसको। तो एक सिंपल आंसर ये पता होना चाहिए, मैथ्स में हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, शैक्षिक दर्शन में व्यवहारिकता की अवधारणा कहती है कि शिक्षा डैश के बारे में होनी चाहिए। ए, विभिन्न गुणों के बारे में। दूसरा है आज्ञाकारिता के बारे में। तीसरा है जीवन और विकास के बारे में। और चौथा है अच्छे नागरिकों को आकार देने के बारे में। तो जैसा कि क्वेश्चन में है, व्यवहारिकता बिहेवियरिस्टिक कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, तो हमेशा ये जीवन और विकास यानी कि लाइफ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करेगा। तो यही इसकी राइट आंसर होगा, सी होगा इसका राइट आंसर। ओके, मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज, व्यवहारिक शिक्षा के विचार का अर्थ है कि शिक्षा को लागू होना चाहिए। अगेन बिहेवियरल एजुकेशन की बात हो रही है, तो इसमें शिक्षा को लागू होना चाहिए समाज पर, ए ऑप्शन, बी अभ्यास पर, तीसरा है असली दुनिया पर, और चौथा है अमूर्त ज्ञान पर। तो आंसर इसका अगेन वही होगा, असली दुनिया, यहाँ पर रियल वर्ल्ड से जुड़ती है बिहेवियरल एजुकेशन, व्यवहारिक शिक्षा। ओके, सी इसका आंसर है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, व्यवहारिकता का एक पहलू अनुभवात्मक अधिगम है जो कहता है कि शिक्षा डैश के माध्यम से आनी चाहिए। तो अगेन एक व्यवहारिकता का क्वेश्चन, और शिक्षा किसके माध्यम से आनी चाहिए ये आपको बताना है। यहाँ पर ए ऑप्शन है अभ्यास, ऑप्शन नंबर बी है अनुभव, तीसरा है ज्ञान, और चौथा है टिप्पणियां। तो यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होगा अनुभव के माध्यम से। अगर आप रिलेट कर पाए तो अनुभवात्मक अधिगम से जुड़ रहा है, तो अनुभव के माध्यम से ये होगा, बी इसका राइट आंसर। राइट, वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फिफ्थ क्वेश्चन। शिक्षा में स्थायित्ववाद की अवधारणा का मतलब है कि स्कूल पाठ्यक्रम, तो स्थायित्ववाद को लेकर यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, जरूरत के अनुसार हो, मांग के अनुसार हो, सेकंड है यहाँ पर, थर्ड है महत्वपूर्णता पर आधारित हो, और चौथा है यहाँ पर सदा के लिए हो। तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं, स्थायित्ववाद की बात हो रही है यहाँ पर कॉन्सेप्ट की,
तो ये परमानेंसी की बात हो रही है, तो यहाँ पर डी इसका ऑप्शन होगा, सदा के लिए हो, बिकॉज जो एजुकेशन आज है वो आपको आगे तक काम दे वो जरूरी है, ऐसा ना हो कि सिर्फ कुछ समय के लिए हो, तो हमेशा के लिए उसका उपयोग होना चाहिए। तो ये जो डी है इसका सही उत्तर होगा। ओके एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स नंबर क्वेश्चन विच इज जॉन डेवी। जॉन डेवी के अनुसार बच्चों को बेहतर नागरिक बनाने के लिए स्कूल में डैश का अनुभव करना चाहिए, इस फिल करना है इस खालिस्तान को। ऑप्शन है व्यवहारिक कार्यान्वयन का, दूसरा है लोकतंत्र का, तीसरा है अनुशासन का और चौथा है नियम का। तो जॉन डेवी एक जाने माने एजुकेशनिस्ट थे और इन्होंने जो बात कही है उसमें यहाँ आंसर होगा बी, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी का उनको अनुभव कराएंगे तभी वो बेहतर नागरिक बनेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी के जरिए उन्हें पता चलता है कि एक नागरिक होने के नाते उनकी क्या जिम्मेदारी है, क्या अधिकार है, तो वो बेहतर इसका उपयोग कर पाते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रगतिवाद को लेकर यह क्वेश्चन है। प्रगतिवाद का मानना है कि शिक्षा डैश से के अनुभव से आती है, बच्चे के अनुभव से, शिक्षक के अनुभव से, सोसाइटी के अनुभव से या प्रिंसिपल के अनुभव से। तो प्रगतिवाद प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात है तो बच्चे के अनुभव से आएगी डेफिनेटली, ये इससे जुड़ा हुआ आंसर सही होगा ए। ओके अगला यहाँ पर देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा में व्यवहारिकता के दर्शन को पढ़ाने का विचार का अर्थ है छात्रों को अच्छा होना, अच्छा डैश होना सिखाना। तो फिल इन द ब्लैंक्स आपको बनना है, खालिस्तान में क्या आएगा। व्यवहारिकता के दर्शन को पढ़ाने का विचार का अर्थ है उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाना, या विचारक बनाना, या जानने वाला, या वैज्ञानिक बनाना। तो आंसर इसका होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, नागरिक बनाना। एक अच्छा नागरिक बनाएंगे तो व्यवहारिक तौर पर उनको काफी मदद होगी, ये जरूरी है, जो हम ऊपर भी कई क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शैक्षिक संस्थानों का पाठ्यक्रम निम्न पर आधारित होना चाहिए, किस पर आधारित होना चाहिए, सिद्धांत पर, अभ्यास पर, या फिर अभ्यास और सिद्धांत पर। तो आंसर होगा इसका सी, अभ्यास और सिद्धांत दोनों पर आधारित होना चाहिए, प्रैक्टिकल और थ्योरी जिसे हम कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, सी इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि विकास से अलग है, ये जो टॉपिक है, ये जो पॉइंट है वृद्धि विकास से अलग है के बारे में सच है। तो आप पढ़ लें इस ऑप्शंस को, वृद्धि शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है लेकिन विकास पूर्ण परिवर्तनों से, वृद्धि एक निश्चित अवधि तक सीमित है जबकि विकास जीवन के अंत तक होता है, वृद्धि को मापा जा सकता है लेकिन विकास को मापा नहीं जा सकता। तो आप गौर से देखेंगे तो जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के तीनों ही पॉइंट हैं वो करेक्ट हैं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस में सभी चीज समझाई हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेस लगातार यहाँ पर चल रही हैं, उनका लाभ जरूर लें, बहुत बेस्ट यूज होगा आपकी सीटेट और टेट की प्रिपरेशन में। तो डी इसका राइट आंसर होगा, ऊपर के सभी सही हैं। ओके चलिए, तो आज का हमारा ये सेशन खत्म होता है और लाइक शेयर इसको तुरंत कर दीजिए और कमेंट जरूर करके बताइए कैसे लग रहे हैं आपको ये, आप कितने बेनिफिट ले रहे हैं इनसे। सब्सक्राइब का बटन है, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिएगा और बेल बटन साथ में दिखाई देगा आपको, वो आप दबा लें चैनल पर, तभी आपको लेक्चर्स के अपडेट मिलेंगे, सभी चेक कर लें और देखते रहें इन्हें, और लगातार कॉन्सेप्ट क्लासेस में यहाँ पर ले रहा हूँ तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेंगी, देखते रहिए सभी चीज़ें। अनअकैडमी पर फ्री लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, उन्हें भी देख सकते हैं, और अगर आप लाइव कोर्सेज के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो एक बार की सब्सक्रिप्शन लेकर यहाँ लाइव कोर्सेज सभी एजुकेटर्स के, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी जोड़कर आप देख सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। ओके तो चॉइस की सभी लिंक्स नीचे दी गई हैं, आप चेक कर सकते हैं एंड टेक द बेनिफिट। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एवरीवन, टेक केयर।